हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है 6 बजे से। तो सुबह झाड़ू लगाने के बाद अब करते हैं घर का पाके काम। लगाने के बाद मैंने आग जला दिया है, फिर मैं दो रखूँगी, फिर खलियान झाड़ूंगी। गर्मी होने लग गई है, सुबह सुबह तो ठंडा ही हो रहा है, शाम को भी ठंडा हो रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वहाँ झाड़ू लगाने में 1 घंटा लग गया और यहाँ पर पूजा गोबर गाड़ती हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके से गोबर गाड़ती है, देख सकते हैं आप लाइव। हर एक पत्ता पत्ता छान रही और गोबर अलग करके उसको बढ़िया से गाड़ने का तरीका बड़ा अच्छा है। अरे देखिए, एक टोकरी भर दी है पूजा ने, अब दूसरी टोकरी भरने की तैयारी कर रही है और देखते हैं कितने देर में भर पाती है दूसरी। और ये दूसरी टोकरी भी भर चुकी है। और यहाँ पर पहाड़ी अंदाज में गोबर के कैंडिया बना रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, मच्छर भगाने के काम आते हैं घरों में। थोड़ा गोबर गाड़ने में इसकी हेल्प कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये भर रही है और मैं ढूल रहा हूँ। ना मैं गोबर भर दिया है और फेंक दे रहे हैं। और हमारे वहाँ ना ऐसे फेंकते हैं गोबर, मतलब नज़दीकी होता है घर के बगल में। फिर मेहता जी और मेरे को ना हॉस्पिटल जाना हुआ, क्योंकि मेरा काम था वहाँ, तो मेहता जी ने मेरे को हॉस्पिटल ले गए। लोग ना हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तो गाइस, अब हॉस्पिटल से ना हम लोग घर को जा रहे हैं और मिता जी आ रहे हैं। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं घर। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें आज हॉस्पिटल में। लापरवाही के चक्कर में ना डांट भी पड़ी थी मेरे को 3 बार। अच्छा ज़्यादा अच्छा अच्छा मत बोलो। 1:30 तो मेहता जी अब ड्यूटी को जा रहे हैं, वही आएंगे शाम के 10:30 बजे। तो गाय जब बज रहे शाम के 4, तो रोज़ की तरह आप शाम का काम स्टार्ट करते हैं। तो सासू माँ घास काट रही है, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ, थोड़ा घास काटूँगी थोड़ा दो। तो गाय हमारे वहाँ ना ये वाला घास बोते हैं, तो इसको ना ऊपर पर से काटना पड़ता है ताकि जल्दी से और पोल जाए कुट्टी में मिछाने के लिए भी। तो गाय इतना काट दिया, सासू माँ बोले इतना काटने के लिए, और घुटने टेक टेक के काटना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है, तो घुटने टेक के काटना पड़ा है। अभी घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, प्रेई लगने को आ रहा है, अचानक ऐसी गर्मी हो रही है ना कि धूप में जा रहे, तो शर में धूप लग रहा है, तो पसीना हो रहा है, तो अचानक ही बुखार आ जा रहा है, अचानक ही ठीक हो जा रहा है, तो तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इसी में। तो शाम के बज रहे हैं 6, तो रोज़ की तरह छत में आए लग रही लेने 10-15 सीढ़ियाँ हैं, चंद में फार्म इतना दर्द है मैं बता नहीं सकती। बाकी ना आज का मौसम ना धुंधला जैसा हो रहा है, कोहरा लगा है या आग लगा के धुआं लगा है पता नहीं। पहले सासू माँ गोबर निकाल रहे हैं और ससुर जी धुआं लगा रहे और चाची घास काट रही है। तो शाम का हो रहा है 6:30, तो मैं थोड़ा छत में टहलने आ गई क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। तो इसके तो बस टहलने से आने के बाद ना मैं लगा रही हूँ आटा, बस 3 दिन की बात है, फिर संडे से भी मेहता जी लगा देंगे क्योंकि उनकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। और यहाँ ना इतनी गर्मी होने लगी है अभी मार्च से, पता नहीं जून जुलाई अगस्त तो कैसे कटेगा। तो
बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगी है। हमने ना अपनी रोटी बना दी है, अब सासु माँ बना रहे अपने लिए। मैं नहीं खाऊंगी। तो गाइस शाम का खाना हो गया है। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर। तो आज के ब्लॉग को ना ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।